नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सचना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी को 20 नवंबर या इससे पहले डिटेन किया गया था। हालांकि अभी तक इसके बारे में कैलिफोर्निया पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल गुजरात के दौरे पर हैं। मोदी ने एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर यकीन नहीं करती। ये लोग तो राम सेतु का भी विरोध करते हैं, लेकिन मुझे गाली देने के लिए रामायण के किरदार रावण का जिक्र जरूर करते हैं। रूस ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया कि वो उसे भारत की तरह सस्ता क्रूड ऑयल नहीं देगा। दो महीने में दूसरी बार पाकिस्तान सरकार का एक डेलीगेशन मास्को गया था। वहां इसने व्लादिमीर पुतिन सरकार से अपील की थी कि वो पाकिस्तान को 40% डिस्काउंट पर ऑयल सप्लाई करे। रूस ने इससे साफ इनकार कर दिया। रूस ने यह भी कह दिया कि उसके पास फिलहाल जो ऑर्डर है वो सिर्फ उन्हीं को पूरा करेगा। संचालन समितियां बनाने की मांग को लेकर के पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद एक बार फिर आश्वासन की पोटली लेकर के घर लौट गए। इस बार भी मंत्री और विधायकों ने उन्हें जल्द से जल्द कमेटियां बनाने का आश्वासन देकर धरने से उठा दिया। पिछले 2 साल में ये छठा मौका है जब ये पार्षद कमेटियों को लेकर के धरने पर बैठे और उन्हें छठी बार भी आश्वासन देकर उठा दिया गया। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।